हे गाइस, फाइनली वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। सो रिसेंटली मैं जो मैंने एम आई बैंड 3 लिया था उसका एक रिव्यू देना है कि आज के डेट में भी जो एम आई बैंड है वो अच्छा है कि नहीं, और आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं, कि इसके अल्टरनेटिव कुछ ऑनर के बैंड आए हैं, बाद में जो अलग अलग बैंड्स अवेलेबल है वो लेना चाहिए। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस मैंने किया इससे, ये वन ऑफ द बेस्ट एम आई बैंड अभी तक का है। इसका जो एम आई बैंड 2 था उससे थोड़े बहुत अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे कि डिस्प्ले और में साइज़ और ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, और दिखने में ये बहुत गॉर्जियस है। और मेरे को कोई भी इश्यूज़ नहीं आया इसको, लगभग मैं यूज़ कर रहा हूँ अराउंड 2 मंथ्स हो गए मेरे को। और मैं ये डेफिनेटली आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर इसकी केयर करोगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और इसको आप थोड़ा अच्छे से यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि दीवार वीवार से थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। सो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और मेरे ख्याल से तो ये वन ऑफ द बेस्ट बजट जो एम आई बैंड्स आते हैं वो है। और इसमें आपको जो ट्रैकर्स ये सब दिए, हार्ट रेट सेंसर्स, बाद में बहुत सारे जो भी स्टेप काउंटर, पेडोमीटर, हर एक सेंसर एक्यूरेट, एक नॉर्मल इंसान के लिए उतना एक्यूरेट दिखाई देता है। और इसका जो मी फिट ऐप है वो भी बहुत अच्छा देता है डिटेल्स एप्लीकेशन के बारे में, या तक कि इसके जो स्ट्रैप्स है, जो देख सकते हो कितना क्वालिटी इसकी इतनी ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी बनाया है इसका। सो अगर आप लेने की सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि ऑनर बैंड लिया जाए, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑनर बैंड ठीक है, लेकिन थोड़ा 500 रुपये 600 रुपये ज़्यादा वर्थ नहीं है। अगर आपको स्टाइलिश चाहिए, थोड़ा कलरफुल डिस्प्ले चाहिए, तो ऑनर का जो बैंड आया नया वाला, कुछ अराउंड उसका नाम शायद से ऑनर 4X करके ऐसा कुछ बैंड का है, मुझे नाम भरोसे याद नहीं, लेकिन ऑनर का एक बैंड है जो 2500 के रेट में आता है। सो वो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कलरफुल डिस्प्ले और थोड़ा सा बड़ा है डिस्प्ले। और इसकी बैटरी बैकअप ऐसे भी बहुत अच्छी है, अगर आप सब मॉनिटर कर रहे हो अच्छे से, आपका हार्ट रेट सेंसर ये सब ब्लूटूथ पूरे टाइम फ़ोन से कनेक्टेड रहता है, तो आपको अराउंड 10 to 12 days तो दे ही देगा बैटरी बैकअप। और अगर आप हार्ट रेट का जो रहता है उसको बंद करके नॉर्मली कभी कभी यूज़ करते हो, सो आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिल जाता है, कभी कभी 17 दिन 15 दिन 16 दिन। सो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मी बैंड। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लेने की सोच रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस ट्रैकर बैंड है मार्केट में अभी अवेलेबल, और इसकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, हर एक चीज़ अच्छी है। ये वाटर रेसिस्टेंट है, सो पानी वानी से भी इसको कोई तकलीफ नहीं होगा अगर आप रेन में भी यूज़ कर रहे हो इसको। सो इसके लिए मैंने सोचा कि इसका कुछ 2 मंथ लेटर रिव्यू बना देता हूँ मैं, सो इसके लिए मैंने ये बनाया। तो आप अगर लेने की सोच रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो, और चैनल को भी इससे हेल्प होगी, ये एक एफिलेट लिंक रहेगा। सो यही सब बताना था, अगर आप प्लान कर रहे हो, आपका बजट टाइट है, आप 1900 के ऊपर, मतलब 2000 के ऊपर आप देना नहीं चाहते, तो आपके लिए बेस्ट है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को जरूर।